ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। महाराष्ट्र में मचे राजनीतिक घमासान के बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार क्या कर रहे हैं, इस पर सभी का ध्यान है। इस बीच शरद पवार ने जाहिर तौर पर राजनीतिक गुगली फेंकते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पुणे के बारामती स्थित अपने घर पर शनिवार को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। उनके साथ ही सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को भी बुलावा भेजा है। दरअसल तीनों नमो रोजगार मेले के लिए शरद पवार के गढ़ बारामती का दौरा करेंगे। इसमें लोकसभा चुनाव से पहले हजारों बेरोजगार लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। जुलाई 2023 में एनसीपी के बंटवारे के बाद यह अपनी तरह का पहला मेगा इवेंट है जिसमें सीएम और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। यह साफ नहीं है कि शिंदे, फडणवीस, अजीत शरद पवार के रात्रि भोज के निमंत्रण को स्वीकार करेंगे या नहीं, जिसने पहले ही सत्तारूढ़ महायुति शासन के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा कर दी है। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने अफसोसजनक लहजे में कहा कि उन्हें और उनके सहयोगी चव्हाण को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनके पिता शरद पवार का नाम हटा दिया गया था। हालांकि वह उस संस्थान के प्रमुख हैं जहां मेगा इवेंट आयोजित किया जा रहा है। पवार कबीले के एक अन्य सदस्य विधायक रोहित आर पवार, सुले के भतीजे, ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और आधिकारिक कार्यक्रम के लिए शरद पवार को आमंत्रित न करने के लिए सरकार की आलोचना की। रोहित पवार ने कहा कि सरकार नौकरियों के नाम पर युवाओं पर पैसा खर्च करेगी और बड़े बड़े वादे करेगी जो शायद उन्हें नहीं मिलेंगे। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।